हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स डीकेटी के के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं यश थी गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और मेरे गेट की uh, सफलता की कहानी uh, शेयर करने जा रहा हूँ गेट एग्ज़ामिनेशन मैंने 2017 में दिया था मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक थ्री फिफ्टी वन आई थी uh, उस रैंक के थ्रू मुझे थ्री महारत्ना पी एस यूज़ आई ओ सी एल ओ एन जी सी और ऑल इंडिया लिमिटेड के थ्रू कॉल लेटर आया कि ए, मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका है एंड आई एम सेलेक्टेड फॉर देम बट आई बी वेरी ट्रू टू यू दैट पी एस यूज नॉट माई एम My aim was always engineering service examination, so I gave always I always gave gate for my uh, competition to check where I stand in the mechanical engineering branch in technical portion. Because if you have to excel in ES engineering services, you have to first of all uh, see where you stand in your technical examination. And gate is the most important uh, technical examination in, in our country, uh, which a lacks of aspirants' gives. So today I'll be sharing with you about uh, how I prepared for gate. वट वर माई स्ट्रैटीज़ फॉर गेट मैंने गेट की तैयारी किस लिहाजे से की और गेट में मैंने क्वेश्चंस वगैरह कैसे अप्रोच किया तो गेट के लिए मेरा सच कोई स्पेसिफ़िक बुक लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर की थी वो तो नहीं थी गेट uh, के लिए मैंने मेडिजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती हैं वो वाली बुकलेट वो मैंने बहुत डिलीजस्ली फॉलो की गेट एक ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें uh, हर साल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे एनालिसिस करके क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है इंजीनियरिंग सर्विसज एग्ज़ाम और गेट एग्जाम में सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि इंजीनियरिंग सर्विसज में क्वेश्चंस uh, का एनालिसिस उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का एनालिसिस गेट में होता है गेट में कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं 60 60-65 परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द न्यूली डेवलप्ड क्वेश्चंस जो हर साल डेवलप uh, होते हैं नए क्वेश्चन डेवलप होते हैं हमेशा मतलब कोई आप उसमें प्रीवियस ईयर ट्रेंड बहुत कम दिखेंगे हमेशा हर साल न्यूली क्रिएटेड क्वेश्चन ही उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे तो सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी पोर्शन है स्टूडेंट्स के लिए गेट में वो यही है कि हर साल उन्हें एक नए सेट ऑफ क्वेश्चन का आ, सामना करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन ओनली टेक हेल्प जस्ट टू स्ट्रेंथन इन टेक्निकल पोर्शन बट आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करके गेट एग्जामिनेशन देने नहीं जा सकते दिस इज़ माई वर्ड्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स गेट आने ही वाला है 2020 का गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट फरवरी को है उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने तैयारी की है जिन जो अब तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करूँगा बट मैं उनसे एक स्ट्रिक्ट बात कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर गेट एग्जामिनेशन कभी भी आप मत देने जाइए

गेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो एक है एनालिसिस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम करते हैं हमने किया है 70, 75, 75 फाइव परसेंट इज़ न्यूमेरिकल ट्वेंटी फाइव परसेंट इज थटिकल सेवेंटी फाइव परसेंट न्यूमेरिकल ट्वेंटी फाइव थियरेटिकल टू मार्क्स क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स भी आता है इसमें जनरल इंग्लिश भी आता है एप्टीट्यूड भी आता है फिफ्टीन फिफ्टीन मार्क्स का इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड ज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चे नेगलेक्ट करते हैं मैंनेक्ट नहीं किया था आपको उस सिलेबस को भी प्रॉपर टाइम देना है फिफ्टीन मार्क्स मीन्स डिफ्रेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रैंक्स बहुत जरूरी है जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड को कवर करना बहुत जरूरी है और इंजीनियरिंग मैथ्स टेक्निकल पोर्शन के अलावा ये तीन पोर्शन ऐसे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स जनरल इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड जो बच्चे सोचते हैं कि ये तीन नहीं करेंगे टेक्निकल में हम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा गेट नहीं गेट में अगर आपको टॉप हंडर्ड में आना है तो इंजीनियरिंग मैथ्स जनरल इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड को भी आपको दिन में दो से ढाई घंटे देने हैं एवरी डे टू एंड हाफ आवर्स टू डी थ्री टॉपिक्स टू एंड हाफ आवर्स टू दीज थ्री टॉपिक्स एज अ होल कम्बाइंड देने हैं देने पड़ेंगे और बाकी टाइम टेक्निकल को दीजिए अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट दोनों में सब्जेक्ट्स का जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो अलग अलग है इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ्लूड मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है वहीं गेट में कम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वेटेज दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है ऑलमोस्ट इक्वल है पावर प्लांट का वेटेज इंजीनियरिंग सर्विस में ह्यूज है अबंडेंस है बट गेट में बहुत कम है फोर टू फाइव मार्क्स हार्डली तो आपको सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट कैसे करना है गेट के लिए वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो सारे ज़रूरी हैं फॉर गेट बहुत ज़रूरी हैं फॉर गेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल पोर्शन 80 परसेंट न्यूमेरिकल पोर्शन विल कम कोई बच्चा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसको समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं न्यूमेरिकल पोर्शन कर लो 80 परसेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज़ डन माय वर्ड्स ट्वेंटी परसेंट थ्योरी आती है नहीं करोगे छोड़ दो नेगेटिव होगा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं एटी परसेंट न्यूमेरिकल है ज़रूर करना करके जाना मटेरियल साइंस नो नीड दो तीन चार चार मार्क्स आएगा मैक्सिमम मटेरियल साइंस करने की कि किसी को ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है कोई कर सके तो शॉर्डली करे जो, जो करने वाले हैं वो पूरा कर सके तो आई एल बी वेरी हैप्पी बट जो नहीं कर सकते बच्चे जिनको कभी कभार मेटेरियल साइंस समझ नहीं आती मटेरियल साइंस इज़ अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट आपको उसके लॉजिक समझने पड़ेंगे तभी आपको मटेरियल साइंस समझ आएगी यू कांट मग अप मटेरियल साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मटीरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रहा छोड़ दीजिए इट्स ओके फोकस ऑन थर्मल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स हीट ट्रांसफर फ्लूइड मशीनरी मशीनरी के सारे टर्बो मशीनरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग वेरी लेस आता है बहुत ज़रूरी है छोटा है जल्दी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत जरूरी है कभी नहीं छोड़ना मशीन डिजाइन ऑल्सो मशीन डिजाइन ऑलो की थोड़ा कम आते हैं क्वेश्चन बट स्टिल कभी कभार उसमें से पाँच ही क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी इसलिए डिजाइन पार्ट पूरा करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू सारे करने हैं आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जहाँ इसकी वैल्यू इंजीनियरिंग सर्विस में कम हो रही है वहीं इसकी वैल्यू गेट में इज़ वेरी ह्यूज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गेट में बहुत अच्छा आता है ट्रांसपोर्टेशन से सिम्प्लेक्स से आई uh, थिंक और भी टॉपिक्स हैं जो वहाँ नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज में बट गेट में है आता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप निलेक्ट नहीं, नहीं कर सकते विच आर वेरी इजी आप करने पे आएंगे बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे सो इट्स नॉट इनिंग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल अब आते हैं बात जो टेक्निकल पेपर सिक्सटी फाइव क्वेश्चन होते हैं टोटल थ्री आवर्स में सिक्सटी फाइव में से फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आर टेक्निकल पोर्शन उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स इंक्लूड होता है टेन क्वेश्चन जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड फिफ्टी फाइव क्वेश्चन में से टेन टू इलेवन क्वेश्चन श्योरली आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स के इंजीनियरिंग मैथ्स तो छोड़नी नहीं है इंजीनियरिंग मैथ्स इज़ द वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ गेट इट इज़ अट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेक्शन इन टू टॉपियस यूज एंड नॉन सिलेक्शन So तो इंजीनियरिंग मैथ्स तो करनी ही है आपने नाउ वी कम टू द रियल टेक्निकल पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 47, 46, 47 सिक्स क्वेश्चन के आसपास टेक्निकल क्वेश्चन 47 सेवन क्वेश्चन होल लॉट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोर्शन ओनली फॉर फोर्टी सेवन क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन में से 30, 32 टू क्वेश्चन थर्टी थ्री क्वेश्चन आप गाठ बांध लीजिए आप कुछ और करें ना करें अपने मैकेनिकल टेक्निकल ब्रांच में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस गेट के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करना बच्चों को आना चाहिए वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करना सबसे अटमोस्ट थिंग लर्न हाउ टू यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इन टू मार्क्स यू विल सी नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल ओनली तो so आपने छोड़ना ही नहीं है सोचो ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन इंटू टू मार्क्स फोर्टी सिक्स मार्क्स इज थ्रू योर नुमेरिकल्स टू मार्क्स में से अगर आपको थ्योरी हैवी लग रही है गो फॉर न्यूमेरिकल बट आप कहें न्यूमेरिकल हैवी लग रहे हैं देन यू कॉन्ट क्रैक गेट न्यूमेकल्स तो इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ गेट अब आता हूं मैं कैसे स्ट्रेटी कैसे उस दिन एग्जाम में आपने प्रिपेयर करना है तीन घंटे में 180 एट्टी मिनट सिक्सटी फाइव क्वेश्चन टू मिनट्स कई क्वेश्चन को थर्टी सेकेंड मिनट लेते यू सी यू डू आता है डन करते हो आगे बढ़ते question हो बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके विदिन अ मिनट मैक्म फिफ्टी सेकेंड मैक्सिमम वन मिनट टेन सेकेंड्स हो जाएंगे सो यू विल गेट बल्क ऑफ यूर टाइम सॉल्विंग टू मार्क्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन टू मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले आप टू मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए क्यों टू मार्क्स वाले क्वेश्चन आपने अपना टाइम दे दिया अच्छे से सॉल्व कर लिए टू मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको 25 ट्वेंटी थर्टी इंटू टू सिक्सटी मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड इन गेट इज टू मार्क्स क्वेश्चंस अगर आप टू मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दें उस पर फोकस करें मैक्सिमम टाइम दें उसमें मैं कहता हूं गिव योर वन टेन मिनट वन टन वन फिफ्टी मिनट इन टू मार्क्स क्वेश्चन गेम इज योर्स अभी टेस्ट सीरीज आप दो टेस्ट सीरीज में आप जब दो यही अप्लाई करना करना मेडिजी टेस्ट सीरीज में नाइन्टी और क्वेश्चन नाइन्टी और पेपर्स होते हैं बहुत होते हैं हर सब्जेक्ट्स के बेसिक uh, एडवांस्ड ऐसे करके लेवल्स होते हैं फिर लास्ट में मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ होते हैं नाइन्टी पेपर्स सफिशियंट वेरी मच सफिशियंट फॉर यू टू कवर ईच एंड एवरी थिंग ऑफ ए टेक्निकल पेपर इंजीनियरिंग मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ मैंने खुद दिए हैं हर चीज़ का आपका वहाँ लेवल इंप्रूव हो जाएगा आपको बस टेस्ट सीरीज को देने का विश्वास देने की एक जिद होनी चाहिए एक जिद होनी चाहिए देने की कि नहीं मैं तो दूँगा चाहे मैं कम नंबर आ रहे हो वहाँ पे नंबर रैंक से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है योर मेन कंपटीशन इज़ ऑन दैट पर्टिकुलर डे सो ऑल योर फोकस ऑन ऑफ गेट इज़ ऑन टू मार्क्स क्वेश्चन वहीं पर रखना है आपने फोकस कहीं और लूज़ नहीं करना है टेस्ट सीरीज का फुल एडवांटेज लेना है उसमें आपको अपनी स्ट्रैटी अपनानी है वन टेन मिनट्स की स्ट्रैटेजी बायफर्गेशन की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी आपको तभी आप जाके उस लो स्कोर से हाई स्कोर की तरफ अप्रोच करेंगे कोई नई चीज़ ट्राई करना मत बल्कि नई चीज़ों को आने दीजिए अपनी ओर नई चीज़ों को आने दीजिए क्योंकि यही वो मौके हैं छः आठ महीने पहले जब आप हर एक चीज़ को ट्राई एंड टेस्टेड करके अपने लिए एक बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं कि नाउ एग्ज़ाम से दो महीने पहले एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर लीजिए कि यही मेरी अप्रोच रहेगी ऑन द फाइनल डे फिर दो महीने तक अपने आप पेपर दीजिए टेस्ट टेस्ट सीरीज पेपर दीजिए उसी अप्रोच को ले कर दो महीने मैं आपको कह सकता हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे कभी फेल नहीं होंगे अगर आपने दो महीने तक पेपर से पहले वही अप्रोच रखते हैं तो लेकिन आपको रखनी पड़ेगी आपको अपना हार्ट लूज़ नहीं करना कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा और अगर एक्सक्यूजेज एक्सक्यूज नहीं देने आपको आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि हाँ आपको सबसे बड़ी जो मेन होनी चाहिए जिस जिसपे आपको ऑलवेज योर फिंगर शुड गो इज मेरा कंटेंट कवर कवरेज पूरा है या नहीं अगर आपका कंटेंट कवरेज सही चल रहा है तो आपने जो स्ट्रैटेजी पकड़ी है उस स्ट्रैटेजी पर चलते रहिए आपको पक्का सक्सेस मिलेगी आपको कहीं भी लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी में मेरा इस कंटेंट में मेरा लूप होल है इस सब्जेक्ट में मेरा ये कवर नहीं है उसको पहले भरिए उस लूप होल को पहले भरिए एग्जाम से एक महीने पहले जितना कंटेंट आप भरना चाहें भर लीजिए अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन सब्जेक्ट्स हैं आप सोचिए हर सब्जेक्ट को आपने अगर चार चार पाँच पाँच बार रिवाइज़ करना है हाउ मच टाइम इट विल टेक सो यू कॉन्ट एड न्यू कंटेंट नाउ बिफोर वन मंथ एक महीने पहले जितना कंटेंट आपने ऐड करना था कर लिया है अब और कंटेंट ऐड नहीं करना है और कंटेंट 95 परसेंट कंटेंट आप पहले से ही ले लीजिए एक महीना पहले फिर लास्ट का एक महीना उसी को रिवाइज पेपर रिवाइज पेपर अपने टेस्ट सीरीज़ आप लास्ट के दो महीने में ही दीजिए सबसे बेस्ट रहेगा उससे पहले देंगे आप भूल जाएंगे बार बार टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन का एनालिसिस रिविजन नहीं हो पाता जो आपके टेस्ट सीरीज आप देते हो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हो उसको रिवाइज ज़रूर करना है उसमें से कभी कभार क्वेश्चन सिमिलर अप्रोच के आ जाते हैं और आते भी हैं मैंने ये भी देखा है आते हैं बट नॉट फुली बट उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो अगर आपने उसके टेक्निक का आइडिया ले लिया देन यू आर श्योरली बाउंड टू गेट द वे आउट फॉर द न्यू क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी प्रपोज बाई आई तो ये मेरी स्ट्रैटी जो मैंने गेट की की थी मैंने आपको अपनी स्ट्रैटी जो मैंने फॉलो की वो मैंने आपको बताई आप मैं खुश होऊंगा कि अगर आप इसमें से कुछ भी मेरी स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाएंगे और जिससे आपको सक्सेस मिले एंड आई एल वी वेरी मच हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कि हाँ येस यू आर एमंग टॉपर्स एज वेल इन गेट था और मैं लास्ट में जाते हुए एक बात कहूँगा रॉजर फेडरर सब जानते हैं टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर है उसने एक बात कही थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना आता है तो मैं वही खेलता हूँ उसके अलावा मुझे उस कुछ नहीं आता तो मैं वही खेलता हूँ उसी पर ध्यान देता हूँ उसी को ठीक करता हूँ कोर्ट में जाता हूँ उसी को इम्प्रूव करता हूँ और तभी मैच खेलता हूँ जीतता हूँ मेरा फोर हैंड स्ट्रांग है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मेरा बैक हैंड वीक था लेकिन मैंने काम किया लेकिन कभी भी फोर हैंड स्ट्रांग था उससे कभी मुँह नहीं मोड़ा अपने फ़ोर हैंड से मैच जीते बैक हैंड से हारे भी पर फोर हैंड से मैक्सिमम मैच जीते अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस रखिए अपनी वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश कीजिए बट जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी नहीं भूलिए अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी निलट नहीं कीजिए कभी इस ओवर कॉन्फिडेंस बताइए कि मेरे पास स्ट्रेंथ्स हैं ये तो, तो इनको तो मैं करूँगा ही नहीं इनको बाद में करूँगा जो अभी मेरी वीकनेसेज हैं उन्हीं को मैं ध्यान दूंगा कोई नहीं अपनी स्ट्रेंथ को पहले सबसे पहले काम कीजिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए स्ट्रेंथ को और ओवर पावर कीजिए उसके बाद वीकनेस पे ध्यान दीजिए वीकनेस पे ध्यान बाद में देना स्ट्रेंथ को ओवर पावर कीजिए ताकि वो आपसे पार्ट कभी मिस ना हो पाए एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर डी के टी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज शेयर माई स्ट्रेटेजी ऑफ गेट एग्जामिनेशन एंड थ्रू देयर प्लेटफॉर्म आई एम वेरी मच ऑबलाइज दैट आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड व्यूअर्स एंड ऑल द फ्रेंड्स थैंक यू टीम डी के टी थैंक यू वेरी मच